हेलो एवरीवन, एक्चुअली आज मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बैंक ऑफ बड़ौदा के थ्रू मुझे मैसेज आया हुआ है व्हाट्सएप पे। सो मैसेज ये है, देख सकते हैं। आई रिसी एज पर आवर प्रिविलेज कस्टमर्स वी आर ऑफरिंग यू अ प्री अप्रूव्ड HPCL BOB एनर्जी क्रेडिट कार्ड। ओके, सो ये सेकेंड होगा बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड एंड जो लिमिट है वो शेयर करेगा। सो जो सेकेंड मेरा कार्ड है उसका फर्स्ट कार्ड है उसकी जो लिमिट है उसको शेयर करेगा और इसके कुछ फीचर्स दिए हुए हैं नीचे में। सो ये सब कुछ फीचर्स हाईलाइटेड फीचर हैं, बट इसके लिए मुझे फीस देना पड़ेगा जो कि है 499 प्लस टैक्सेस। सो मैं इस कार्ड को ऐसे लेना नहीं चाह रहा था, बट चूंकि मैं चाहता था कि इस कार्ड को थोड़ा मैं यूज करूँ और रिव्यू करूँ और आपको दिखाऊँ कि ये कार्ड वाकई वर्थ इट है या नहीं। और यह बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी दो कार्ड हैं BOB के, देख सकते हैं। फर्स्ट कार्ड है ये स्नैपडील कार्ड है और सेकेंड कार्ड ये है, ये इजी क्रेडिट कार्ड है BOB का ही। तो ये दो कार्ड मेरे पास ऑलरेडी हैं, इसके बावजूद भी मुझे तीसरा कार्ड के लिए मुझे आया है, तो ये थर्ड कार्ड हो जाएगा मेरे पास। पता नहीं, कुछ लोग, काफ़ी लोग कहते हैं कि तीन कार्ड नहीं देते हैं, मैक्सिमम दो कार्ड देते हैं BOB वाले, बट मुझे तो तीन कार्ड मिल गए। और इसका मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, इसके बाद जब मैंने अप्लाई कर दिया था तो ये देख सकते हैं ये रिक्वेस्ट नंबर जनरेट हो गया मेरे पास। देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, योर न्यू बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड इज़ ऑन द वे, सो थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग ऑर्डर वगैरह समथिंग लिखा हुआ है, सक्सेसफुली प्रोसेस्ड एंड एप्लीकेशन नंबर भी इन्होंने जनरेट कर दिया। ठीक है, ये सारा चीज़ें हो गया। उसके बाद मैसेज भी इसका आ गया है मेरे पास, ये देख सकते हैं। डियर कस्टमर, योर BOB क्रेडिट कार्ड इज डिस्पैच्ड बाई स्पीड पोस्ट, ट्रैकिंग नंबर दे दिया। मतलब आज ही मुझे मैसेज भी आ गया कि ये कार्ड डिस्पैच कर दिया गया है। तो मैं भी कंफ्यूज हूँ क्योंकि मुझे भी इन्फॉर्मेशन आज तक थी कि मैक्सिमम दो ही कार्ड बैंक ऑफ बड़ौदा देते हैं, बट मुझे तीन कार्ड अब मिल जाएंगे। तो मैं इनका भी रिव्यू, अनबॉक्सिंग वगैरह दूंगा और इसके टेस्टिंग करके भी दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे इसके एक फीचर्स मुझे चेक करने थे। वो ये था कि जो 200 रुपीज़ ऑफ पर मंथ पेटीएम मूवीज़ पे है, तो देखते हैं क्या है ये। क्योंकि अगर मान लीजिए वन पे वन मूवी फ्री मिलता है वोगो ऑफर, तो दो टिकट बुक करना पड़ता है। ये कंडीशन मुझे पसंद नहीं आते हैं, बिकॉज कभी आपको अकेले भी मूवी देखना होता है, तो ये रीज़न है कि वन अगर अकेले देखते हैं तो उसके ऊपर कुछ ऑफ मिल जाए। तो ये, और ऊपर से ये फ्यूल कार्ड है, फ्यूल कार्ड तो वैसे भी मैं प्रीफर नहीं करता, बट देखता हूँ। फ्यूल कार्ड के लिए 500 रुपीज़ देना मुझे कोई वर्थ इट नहीं लगता, बट फिर स्टिल भी मैंने उसको अप्लाई किया है कि क्या सच में ये वर्थ इट नहीं है या लेना चाहिए या कार्ड अच्छा है, मुझे सच में नहीं पता इस कार्ड के बारे में। सो मुझे ऑफ़र आया तो मैंने ले लिया है, और जैसे ही ये कार्ड आता है उसके बाद मैं अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा, इसके फिर टेस्ट भी करेंगे क्योंकि काफ़ी कुछ एक्सपेंस करना है। और ये चूँकि 500 रुपीज़ का चार्ज है तो वो वापस आ जाएंगे अगर मैं 5000 रुपीज़ का एक्सपेंस कर देता हूँ, तो इसके हार्डली मैं 60 डेज़ के भीतर, तो मुझे वो 500 जिसमें जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, देख रहे 2000 बोनस पॉइंट जिसका वैल्यू 500 रुपीज़ होता है करीब, तो वो मुझे वापस आ जाएंगे। तो इस यही सोच के मैंने इस कार्ड को अप्लाई कर दिया है। तो अभी मैं आपको अप्लाई का वीडियो दिखा देता हूँ। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले BOB फाइनेंसर पे लॉगिन कर लेते हैं। तो जैसे आप लॉगिन कर लेंगे इसके ऊपर, तो फिर इसके बाद जैसे मैं लॉगिन कर चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है, तो अभी है इसमें क्या करना है, रिक्वेस्ट टैब पे क्लिक करना है लॉगिन करने के बाद। इसके बाद आपको एक लेफ्ट साइड में ऑप्शन दिखेगा गेट एड ऑन कार्ड्स, तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। देख सकते हैं लेफ्ट साइड में जा रहा है। अभी देखिए, यहाँ मुझे एक कार्ड शो हो रहा है HPCL का BOB एनर्जी क्रेडिट कार्ड। यहाँ काफ़ी सारे बेनिफिट्स दिए गए हैं, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं, इसके चार्जेस वगैरह हैं 499 प्लस टैक्सेस और एनुअल फी भी। तो चलिए अप्लाई कर पे क्लिक करते हैं। सो जैसे अप्लाई पे क्लिक करेंगे वहाँ पे एड्रेस आपको कंफर्म करने के लिए आएगा। सो मैं इसे कंटिन्यू कर देता हूँ। अभी देख सकते हैं जैसे कंटिन्यू करेंगे यहाँ दोबारा आपसे कंफर्मेशन पूछेगा कि आपको ये ऐड कहाँ पे मिला, और फीस दोबारा आपको शो करेगा। बस इतना आने के बाद हम नीचे में कुछ चेकबॉक्स आएंगे, उसको आपको क्लिक कर देना है पढ़ने के बाद। फिर नीचे में देखिए आई एक्सेप्ट एंड टर्म एंड कंडीशन, एक OTP आपको जनरेट कराएगा, तो जो OTP अभी आएगा वो फिल करना है। ओके, तो मैं OTP फिल कर देता हूँ। ओके, तो मैंने OTP डाल दिया है और सबमिट पे क्लिक कर दिया, देख सकते हैं। सो ये रिक्वेस्ट जो एडऑन कार्ड के लिए है वो रिसीव हो चुका है 7 वर्किंग डेज़ में, ये मेरे पास रिसीव हो जाएगा। ओके, तो अगर आपको प्री अप्रूव्ड आया है तो फिर आप ऐसे ही आप प्री अप्रूवल कार्ड को आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद ही आपको रिसीव हो जाएगा। सो बस इतना ही था इस वीडियो में।
सो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, धन्यवाद। सो अनबॉक्सिंग वीडियो के लिए वेट कर लीजिएगा, वो बहुत जल्द ही मैं लाने वाला हूँ। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूँ आपके पास पहुँच जाए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।